इंडिया के हारने का मुझे है गम, पर कंपनी ने पैसा दिया है इसीलिए मैं आ गया बर्मिंघम। आईपीएल में हमसे कमाया और वर्ल्ड कप में हम ही को हराया। उस दो दिन के मैच ने ले ली मेरी जान, पर चेहरे पे आई खुशी क्योंकि वी बीट पाकिस्तान। बर्मिंघम पे अब होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच विस्फोट, और मैं करूंगा इंग्लैंड को सपोर्ट। कमेंट्री करने वाले चाचा गोरों की तरह गोरा टी शर्ट, आप इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं, क्या आप इंग्लैंड के सपोर्टर हैं? आई जस्ट टॉक क्रिकेट। अगर तुम सोच रहे हो क्यों कर रहा है जिंगोनाथ अंग्रेजों की गुलामी, क्या वो बन गया है कितना बड़ा, तो ये सुनो, इंग्लैंड को शुक्रिया कि उन्होंने बनाया इंडिया और पाकिस्तान। अगर ये पड़ोसी ना होते तो प्राइम टाइम में मैं कैसे फूंकता अपनी जान। मैडम नफरत लेंगे आप? नफरत लेंगे आप? नफरत ले लीजिए मैडम। चाचा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो हफ्ते से देख रहा हूं तुमको, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चाचा नफरत बिकती है चाचा। खेल है, खैर नहीं समझोगे। चाचा आपकी उम्र हो गई है, रिटायर हो जाओ, कमेंट्री बॉक्स में मुझे बिठा दो, नफरत मैं फैलाऊंगा। एवरी मैन इन इंडिया स्पीक इंग्लिश ए टू जेड, ऑल थैंक टू दादी एलिजाबेथ। इंग्लैंड ने हमें दिया पोस्टल रेलवे और रोड, इसीलिए नहीं बुलाऊंगा मैं उन्हें बैंक एंड बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स बोला, उसमें क्या गलती है? ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने का क्या है रीजन? इनकी वजह से हमारा टर्मिनेटर ऑलमोस्ट चला गया था इन प्रिजन। और इसी के साथ मेरे हिंदुस्तान जाने का समय आ चुका है। भाड़ में गया वर्ल्ड कप, बहुत कर लिया पाउंड में खर्चा, अब वापस जाऊंगा और प्राइम टाइम में करूंगा पॉलिटिक्स पे चर्चा। एयरपोर्ट छोड़ सकते आप? एयरपोर्ट छोड़ेंगे आप? अरे मुफ्त में वो तो कर दो, वो इन्हों लेके गए, एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो भाई।